अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं जावेद शेख के बारे में। ये सीनियर अदाकार कौन हैं, इनकी दो दो बीवियां, इनकी फैमिली बायोग्राफी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें। जावेद शेख पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं। 8 अक्टूबर 1954 को रावलपिंडी में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 70 साल हो चुकी है। इन्होंने एज अ एक्टर, एज अ फिल्म डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर सर्व किया। जावेद शेख ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म्स और ड्रामास में काम कर चुके हैं बल्कि बॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया है। इवन के इन्होंने ओम शांति ओम हिंदी फिल्म में शाहरुख खान के वालिद का रोल अदा किया था। साथ ही साथ हैप्पी भाग जाएगी और इसके साथ साथ नमस्ते लंदन में भी ये नजर आए। बात करते चले व्यूअर्स यहाँ इनके पाकिस्तानी मूवीज की, तो इन्होंने बिन रोए, रॉन्ग नंबर, नामालूम अफराद और नायाब से काफी शोहरत हासिल की। जबकि बात करते चले यहाँ ड्रामास की, तो ये अदाकार ड्रामा समझौता, ड्रामा जैसे आपकी मर्जी, ड्रामा दोबारा और ड्रामा झूम से इन्होंने काफी शोहरत हासिल की। बात करते चले यहाँ इनकी फैमिली के बारे में, तो व्यूअर्स इनकी फैमिली में इनके वालिद एक बिजनेसमैन जबकि इनकी वालिदा हाउसवाइफ थी। और बात करते चले इनके बहन भाइयों के बारे में, तो इनके भाई सलीम शेख भी अदाकार हैं और इनकी बहन सफीना शेख भी एज अ मॉडल सर्व कर रही हैं, जो कि बहरोज सब्जवारी की अहलिया हैं। तो यूं बहरोज सब्जवारी की फैमिली भी इनसे रेलिवेंट हो गई और शहरोज सब्जवारी भी इनके भांजे हुए। इसी तरह व्यूअर्स बात करते चलें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लेजेंडरी अदाकार ने दो दो शादियां की। इनकी पहली शादी जीनत मांगी से हुई। जीनत मांगी भी मशहूर अदाकारा ही थी अपने वक्त की और उनके साथ इन्होंने स्क्रीन पर कई प्रोजेक्ट्स में काम किया था। जीनत मांगी से इनके बच्चे मोमिन शेख, शहजाद शेख और मरियम शेख हैं, जो कि तमाम ही अदाकार हैं। इसी तरह व्यूअर्स इन्होंने अपनी पहली अहलिया को डाइवोर्स दे दी जवान बच्चों के बावजूद। जीनत मांगी को डाइवोर्स देने के बाद इन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सलमा आगा के साथ 1981 में शादी की। सलमा आगा इससे पहले भी मैरिड थी और इनकी एक बेटी भी थी, इन्होंने उनको भी अपनाया लेकिन बाद अजां उनके साथ भी ना बन पाई और 6 साल बाद सलमा आगा को भी इन्होंने डाइवोर्स दे दी। और बाद अजां जहां ये अपने बच्चों और बीवी को छोड़कर गए थे अपने बच्चों की शादियों के लिए, ये अपने बच्चों के साथ जुड़े मोमिन शेख और शहजाद शेख की शादी के बाद अब ये अपने बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इनकी पहली अहलिया जीनत मांगी भी अपने बच्चों के साथ ही रिहाइश पजीर हैं। बात करते हैं जावेद शेख की तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स कर रखा है। और बात करें इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो इनकी हाइट 5'8", इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना और राइटिंग करना है। तो व्यूअर्स ये सीनियर अदाकार जावेद शेख आपको कैसे लगते हैं, इनका कौन सा ड्रामा या फिल्म आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगेबान।